चुनावी घुमक्कड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम हैं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र में। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार यानी कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पासवान ने यहां से जीत दर्ज की थी। अगर पूरे मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले चुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। मुद्दों को लेकर बात करेंगे और उन वादों को लेकर भी बात करेंगे जो पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों से किए गए थे। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में मोहम्मदाबाद गोहना के लिए इस सरकार ने और आपके विधायक ने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। जो वादे किए थे उन्होंने पिछले चुनाव में? नहीं, कोई पूरा नहीं किया उन्होंने। हम मोहम्मदाबाद गोहना के ग्राम प्रधान हैं और हमारा गांव पड़ता है हिंडोला। अच्छा। और हम लोग समाजवादी सरकार से बहुत परेशान हैं। पहली बात की, लेकिन सपा सरकार तो बार बार ये बोल रही है और जिस तरीके से युवाओं की बात वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि युवा सरकार लाएंगे और एक युवा मुख्यमंत्री भी था, उन्होंने कहा कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हम देख रहे हैं कि पूरा ग्रामीण इलाका है। अगर किसानों की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की क्या लगती है आपको? बिजली पानी ये समस्या है हम किसान भाइयों के लिए। और जो नवयुवकों की बात हुई तो क्या किए उन्होंने? जब आ रहे थे तो जो घोसी से जो रास्ता जाता है मोहम्मदाबाद गोहना के लिए, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जगह जगह उबड़ खाबड़ सड़कें थी। तो पूरे अगर क्षेत्र की बात करें तो जो संपर्क मार्ग हैं, क्या उनकी हालत ऐसी ही है? संपर्क मार्गों की स्थिति बहुत जर्जर है। बड़ी जीर्ण सीढ़ अवस्था में है। कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, चुनाव का समय आया है तो इस पर थोड़ा मरम्मत काम शुरू हुआ है, बनना शुरू हुआ है। तो पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ? पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ना तो लिंक रोड पे हुआ ना तो इस पे हुआ। अच्छा। अब चुनाव का समय शुरू हुआ है, इस पे युवा भी है। ये बताइए कि प्रदेश की सरकार बार बार बोलती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारा काम किया, आपके हिसाब से कितना काम हुआ है और जो यहाँ के युवा है उनको क्या फायदा मिला इस सरकार से और आपके विधायक से? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं फायदा हुआ है। अच्छा। समस्या तो बहुत सारी है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है समय सपा की तरफ मुस्लिम जो जाते थे और मोदी से जैसे बीजेपी से लोग नाराज थे सिर्फ ये गोधरा कांड की वजह से, आज सपा से नाराज हैं। 450 दंगे करा चुके और जिसने मुजफ्फरनगर दादरी और मतलब इतने लिस्ट तैयार करना, मतलब दंगों को लेकर नाराजगी आपकी। लेकिन हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात की पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में अपने वो किए थे, वो भी फेल। 18% रिजर्वेशन की बात की है उन्होंने, कहा कि क्या कहते हैं जितने दंगे में या एसटीएफ जो फर्जी मुसलमान बंद है उनको बाहर करवाएंगे। इनके यहाँ लिस्ट बनती है, कुछ चाटुखोर नेता है वो देखते रहते हैं कि इसमें कितने यादव हैं। 100 हैंडपंप आ गया तो इसमें देखेंगे कितने यादव हैं। इस तरह से वहाँ व्यवस्था है। इसके पहले हमारे एक प्रमुख जी थे, अजीत सिंह थे, वो लड़े थे चुनाव। जब चुनाव हुआ था तो उसमें कोतवाल को लेकर पूरा घर घर खेदवाए थे। जब बीएसपी की सरकार थी तो कहीं आप नहीं सुने होंगे कि छिनैती डकैती या हत्या किसी की, या इसमें तो आए दिन पेपर उठा के पढ़ेंगे कहीं न कहीं कोई न कोई लूट। हाँ, कई बैंकों की तक लूट हुई है, अभी जल्दी 6 महीना पहले हुई है। मैंने अपराध बहुत चरम सीमा पे अपने। तो आप लोग अपनी समस्याओं क्षेत्र में, आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर आप लोग अपने विधायक के पास कभी गए होंगे? विधायक के पास गए हम लोग समस्या को लेके, लेकिन वहाँ आकर के फिर चले जाते हैं। उनका घर के बगल में ही एक एटीएम से पैसा आ रहा था 30 लाख रुपए, वहाँ से लूट गया। बहुत बहुत तरह की समस्या। लाइट कितने घंटे आती है मोहम्मदाबाद गोहना में? लाइट तो इधर कुछ ठीक है, लेकिन इसके चुनाव के वक्त लाइट थोड़ा सही चल रही है। लेकिन इसके पहले तो 6 घंटे कभी आई कभी नहीं आई, कभी रात के 12 बजे आ रही है, कभी 4 बजे भोर में आ रही है, मतलब कोई शेड्यूल नहीं था। लेकिन इधर चुनाव के देखते हुए 2-4 महीने से लाइट सही रह रही है। ये बताइए कि मोहम्मदाबाद जो गोहना विधानसभा क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है यहाँ पर? अब काम तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं इस सूर्य मंदिर का पुजारी हूँ। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट यहाँ के एमपी और विधायकों से है, जो कि यही कोणार का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, वहाँ गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है और यही देवलार का मंदिर। जो मंदिर आप दिखा रहे हैं कितना पुराना मंदिर होगा? इस मंदिर का कोई इतिहास नहीं है, किंवदंतियों के आधार पर मिलता है कि महाराज दशरथ के हाथों से है और श्रीमद भागवत में इसका वर्णन मिलता है कि दक्ष प्रजापति। शिकायत क्या है आपकी? शिकायत मेरी ये है कि यहाँ जो मेला लगता है उसमें जिला पंचायत के लोग टैक्स वसूलते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस पर विचार नहीं करती है। यह सबसे बड़ा इस क्षेत्र के लिए कष्ट का विषय है और इस कष्ट को क्षेत्र जो है अपने आंसुओं में नहीं बयां करती है, आंसू के रास्ते से खून उगल करके बयां करती है। यहाँ के माननीय विधायक जी ने
यहाँ पे ना कोई कभी एक बल्ब का इंतजाम कर पाए, ना एक सीपीएल लगा पाए, ना ही एक कोई उजाला, चूंकि यहाँ का देवला से कैसा स्थान है कि यहाँ पे करीब करीब हर जात का यहाँ पे मंदिरें हैं, और ना ही किसी जात पे वो एक बल्ब लगवा पाए, ना एक रोड लाइट लगवा पाए, और ना ही समय से कभी बिजली के बारे में ध्यान, ना ही कोई लाइन खींची गई यहाँ की। अच्छा, बात कर लेते हैं गांवों की, चूंकि ये भी एक गांव है देवलास, ये बताइए आप एक ग्राम प्रधान है, अगर गांवों की सड़कों की स्थिति की बात करें, गलियों की बात करें, नालियों की बात करें, तो कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ किया गया पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं श्रीमान जी, कुछ नहीं किया गया है। ये मान लीजिए केंद्र सरकार की व्यवस्था है कि मनरेगा चलाया जा रहा है, मनरेगा से ग्राम प्रधान लोग जो भी काम विकास का कर लेते हैं, और नहीं कोई राजवीर से पैसा आता है, नहीं कुछ आता है कि जिससे कोई काम किया जाए। इस बार मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप लोगों को क्या लगता है? विकास का मुद्दा सबसे, हम लोगों का एरिया मतलब एकदम कोई काम नहीं हुआ, एकदम पिछड़ा हुआ जी। विधायक से ज्यादा तो हम अपने क्षेत्र पंचायत द्वारा हम काम करवाएं, अगर हर गांव में जाएंगे तो अपने क्षेत्र पंचायत से कार्य होगा। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं जी, जी बात और कहना चाहता हूं, अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो है इस क्षेत्र को, यहाँ ये इतना बड़ा ताल है, इसको अगर पर्यटन केंद्र बना दे तो यहाँ की 500 गांव की जनता लाभान्वित होगी। अच्छा, और क्षेत्र का देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं, तो क्या कुछ खास महत्व भी है क्या इस जगह का? जी, यह जो है देवल ऋषि का सूर्य कुंड है। इस कुंड की महत्ता भागवत के अनुसार, अन्य पुराणों के अनुसार यह है कि 365 दिन यहाँ इस कुंड में स्नान किया जाए और सूर्य मंदिर में आदित्य हृदय स्त्रोत का 12 पाठ कराया जाए तो अक्षय कुष्ठ रोग। व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, जिस कुंड की व्यवस्था देख रहे हैं, किसने कराई थी? ये तो गांव वालों ने पहले कराई, बाद में कुछ पैसा मिला था पर्यटन विभाग से जो कि लूट खसोट में गायब हो गया, इसका कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ सभी पार्टियों की तरफ से। उसमें सभी पार्टियां, किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, माना जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या ध्रुवीकरण के लिए ये बयानबाजी की जा रही है। आपको लगता है कि जो वोटर्स हैं, अगर हम मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें, कि वोटरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसी बयानबाजी का? जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी एकदम बेकार है, इतना बेरोजगारी इन सरकार में है कि ये पुलिस वाली भर्ती। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार मैंने दिया, लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटने की तैयारी कर रहे हैं। अरे सर, मैं तो पुलिस वाली भर्ती निकालते हैं, अभी हम उसमें फिजिकल मेडिकल मतलब सब कुछ करके, अभी वो सब लोग कितने मेहनत करके किए और सब खराब हो गई, कोई भर्ती क्लियर कहाँ हुई, कोई तो पूरा ही नहीं कराया ये लोग। तो मतलब कि आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि जिसको आपने चुनकर भेजा था पिछले चुनाव में, अब आपको लग रहा है कि मतलब निराशा हो रही है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल निराशा, ये सरकार सिर्फ धोखा देती है और कुछ नहीं करती है, बस ऐसे। हाँ जी जी, टॉप से बांटने से बढ़िया है कि वो यूपी बोर्ड के टापर बच्चों को ले जाकर के पढ़ावे ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो, लैपटॉप न बांटे। जो टापर बच्चे आते हैं उनको ले जाकर के गवर्नमेंट के खर्चे से पढ़ावे, लैपटॉप बांट करके रोड पर न खड़ा करें, और उनको जो है मदद दे करके पढ़ावे ताकि भविष्य देश का उज्जवल हो। आपके हिसाब से कैसी सरकार आनी चाहिए इस बार इस चुनाव में? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो कि ये बेरोजगारी भत्ता न दे करके वोटर भत्ता दे, और वोटर भत्ता देगी और जिस वोटर को नौकरी मिल जाए उसके भत्ते को समाप्त कर दिया जाए, इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी सरकार चाहिए। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर और जो यहाँ के विधायक हैं बैजनाथ पासवान, उनको लेकर जो यहाँ के लोग हैं मोहम्मदाबाद गोहना के, जो देवलास गांव के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। उनका यह भी आरोप है कि पिछले 5 सालों में जो वादा किया गया था पिछले चुनाव में, वो वादा पूरा नहीं किया गया, इसको लेकर नाराजगी है। देखा जाए तो बहुत पिछड़ा इलाका है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसका अभाव यहाँ पर दिखता है। सड़कों की स्थिति कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खस्ता हाल है, और इसको लेकर भी लोगों में रोष है कि पिछले 5 सालों में सड़कों की मरम्मत जिस तरीके से कराई जानी चाहिए थी या जिन नई सड़कों की मांग की जा रही थी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। तो मोहम्मदाबाद गोहना से चुनावी घुमक्कड़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलेंगे अब अगले पड़ाव पर।